हेलो चैंपियन, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी टिप्स भाई एसएल चैप में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बैश लीग का मैच नंबर 16 जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कोचर और एडिलेड टाइगर के बीच में। दोस्तों, मैं आपको देखो एक बात पहले आपको मैं फाइनल करता हूँ गाइस। देखो मोस्टली यार जो अभी बिग बैश लीग के मैच हो रहे हैं उसमें गाइस देखो बॉलर को यार देखो ज़्यादा विकेट मिल रही है, ठीक है। और गाइस देखो मैं ये भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि गाइस देखो सभी मैचेस में आपको बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। गाइस देखो दो मैचेस होते हैं, देख कल भी गाइस देखो दो मैचेस होगा, ये गाइस देखो ये सेकंड मैच रहेगा जो कि 3:45 PM को यानी कि ऑलमोस्ट शाम को ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। गाइस देखो जो इवनिंग के मैचेस है ना उसमें देखो आपको बॉलर हमेशा से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फास्टर बॉलर को लेके चलो। बट दोस्तों देखो जो मैच दोपहर को या फिर जो मैच दिन में होता है डे वाले मैचेस गाइस देखो वो मैच एक हमेशा से हाई स्कोरिंग मैच होता है, ठीक है। और जो डे वाले कल पहला मैच रहेगा गाइस देखो उसमें आप हमेशा से आप अपने टीम में बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर जो कि बैटिंग करने ऊपर आते हैं उनको प्रेफर करना, ठीक है। तो अगर आप अपनी खुद से टीम क्रिएट कर रहे हो तो गाइस देखो ये बातों का ध्यान रखना, खासकर बिग बैश लीग के हर एक मैच में, ठीक है दोस्तों। बाकी चलिए गाइस आपको वीडियो में आगे लेके चलता हूँ। गाइस देखो मैं आपको स्मॉल लीग टीम भी दूंगा और कुछ जीएल से रिलेटेड कुछ मैं आपको प्रेडिक्शन भी करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। और उससे यार पहले अगर आपने अभी तक हमारा यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस देखो यहाँ से जुड़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको सारा का सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट की, कबड्डी की, फुटबॉल की और दोस्तों यहाँ पर बास्केटबॉल की सभी टीमें ना आपको बिल्कुल फ्री में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आपसे हम लोग प्राइम का फी या फिर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग नहीं लेते। तो गाइस आप यहाँ पर खेल के काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो आप वीडियो में बने रहना क्योंकि गाइस वीडियो में आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये मैच नंबर 16 होगा, डेट एंड टाइम की बात करूँ तो ये मैच 26 दिसंबर को 3:45 PM यानी कि ऑलमोस्ट शाम को होगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच पर्थ स्टेडियम जो कि पर्थ में ये मैच वहाँ पे होगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टीम की ओवरव्यू क्या है, दोस्तों दोनों टीमों ने लास्ट 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैच में से पर्थ टीम ने 4 मैच विन किए हैं और वहीं एडिलेड ने 3 मैच विन किए। लास्ट मैच दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर अपना हार के आ रही है, वहीं पर्थ स्कोचर अपनी लास्ट मैच विन करके आ रही है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हमेशा से विन करते आ रही है, हमेशा से नहीं उनका रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा है। तो गाइस देखो यहाँ पर जो भी टीम टॉस को विन करती है गाइस देखो यहाँ पर वो पहले बैटिंग करना चाहती है। अगर इनकी रिकॉर्ड की बात करूँ तो गाइस देखो टोटल यहाँ पे बिग बैश लीग के 22 मैचेस हुए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 14 मैच विन किया है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 8 बार मैच को विन किया है। और अगर फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे 164 रन का है। तो गाइस यहाँ पर हमेशा से आपको देखो टॉस प्रेफर करता हुआ आपको आप देखो टॉस को प्रेफर करना, टॉस जो भी टीम विन करके पहले बैटिंग लो आप देखो उन्हीं के फेवर में अपनी ड्रीम इलेवन की टीम आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी। गाइस देखो मैंने सभी प्लेयर के यहाँ पर मैंने सारा रिकॉर्ड सारा डाटा मैंने ऐड किया है तो अगर मैं इनको बताना स्टार्ट कर दूं तो गाइस देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको अपनी खुद की टीम क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ पर्थ स्कोचर की प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी। तो गाइस यहाँ पे एडम लीथ के साथ फॉफ डु प्लेसिस ओपनिंग करने आएंगे, नंबर 3 पे निक होपसन, नंबर 4 पे जॉस इंग्लिश, नंबर 5 पे एस्टन टर्नर, नंबर 6 पे दोस्तों एरोन हार्डी और जो कि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करके देगा। रिसेंटली मैचेस में 3 मैच में 97 रन और उनके साथ साथ ये 2 विकेट। तो गाइस आई थिंक आपके लिए स्मॉली के लिए वो इस कैप्टन का सबसे अच्छा पिक रहेगा क्योंकि बैटिंग प्लस में आपको बॉलिंग करके देगा, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे एस्टन अगर एज स्पिनर 3 मैच में गाइस जिनको टोटल 2 विकेट मिला है, ठीक है। जय रिचर्डसन 3 मैच में दोस्तों 8 विकेट और गाइस ओवरऑल आपको अपनी ग्रैंड लीग प्लस में स्मॉल लीग दोनों ही टीमों में आपको लेना है। देन गाइस यहाँ पे एंड्रू टाई, जेसन बेहनड्रोफ और गाइस यहाँ पे पीटर होसलू जो कि 2 मैच में यहाँ पे 2 विकेट मिला है। जेसन बेहनड्रोफ का 3 मैच में टोटल 6 विकेट मिला है, ठीक है दोस्तों। और गाइस ये इनकी टोटल ओवरऑल प्लेइंग इलेवन रहेगी। अगर बात करूँ यहाँ पे एडिलेड की तो दोस्तों यहाँ पे जेक वेदरलैंड और मैट शॉट ओपनिंग करने आएगा और गाइस देखो रिसेंटली मैचेस में मैट शॉट आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके दे रहा है, ठीक है।
तीन मैच में गए देखो इन्होंने 161 रन लगाए थे, उसके साथ इन्होंने 4 विकेट लिए थे। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपके स्मॉल लीग टीम में कैंप नॉइस कैप्टन का सबसे सुटेबल पिक रहेगा। ठीक है, जैक वेदर लेकर रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है, 4 मैच में दोस्तों ओनली ऑन 18 रन। ठीक है, देन गाइज यहाँ पे नंबर 3 पे क्रिस लिन, नंबर 4 पे एडम हो जो कि 4 मैच में 80 रन, और गाइज आई थिंक आपको अपनी ग्रैंड लीग में मैं श्योर प्रेफर करूंगा कि आप इनको लेकर चलना। देन दोस्तों यहाँ पे कॉलिन ग्रैंडहोम जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्टर भी है, 4 मैच में 89 रन और उनके साथ साथ दो विकेट, तो गाइज आई थिंक आपको अपनी स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, थॉमस केली इनके राइट हैंडेड बैट्समैन, हैरी नीलसन जो कि इनके विकेट कीपर रहेंगे, और गाइज देखो इनका ओवरऑल बैटिंग नहीं आती है। ठीक है, राशिद खान जो कि इनके लेग स्पिनर रहेंगे, और गाइज देखो इनके मेन बॉलर 4 मैच में दोस्तों इनको टोटल 4 विकेट मिला है। वेस्टर्न का राइट आर्म फास्ट 4 मैच में दोस्तों इनको भी टोटल 7 विकेट मिला है, और गाइज आई थिंक बेस्ट सिलेक्शन रहने वाला है। हैनरी थॉर्टन 4 मैच में गाइज 12 विकेट, और लगभग हर मैच में इनको 1, 2, 4, 5 विकेट मिला ही है। ठीक है, देन गाइज यहाँ पे पीटर सिलर कैप्टन जो कि गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इनको अपनी ग्रैंड लीग टीम में श्योर लेना, और गाइज देखो इन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, तो गाइज इनकी ओवरऑल प्लेइंग 11 रहेगी। अगर बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन का आपके लिए सेफ सिलेक्शन और रिस्की सिलेक्शन क्या रहेगा, तो गाइज देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हाँ दोस्तों यहाँ पे सेफ सिलेक्शन आपके लिए मैट शॉट, फाउड प्लेसिस और जाय रिचर्डसन रहेगा। यहाँ पे गए देखो आप चाहो तो हैंडी थॉर्टन को भी आप अपनी स्मॉली की टीम में आप देखो ट्राई करके आप चल सकते हो। ठीक है, रिस्क ऑप्शन की बात करूँ तो गए यहाँ पे थॉर्टन, वेस्टनेगर, एस्टन नेगर और जोस इंग्लिश, क्रिस्टिन एडम होस और कॉलिन ग्रैंडहोम भी दोस्तों आपके लिए रिस्की ऑप्शन रहेंगे, जिनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आप देखो ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारी स्मॉली की टीम क्या रहेगी। दोस्तों आप इस टीम के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर और ऑलमोस्ट 4 मेंबर तक की लीग आप देखो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कैप्टन मेरा गाइज यहाँ पे मैट शॉट रहेगा, वीसी दिखाई तो मैं यहाँ पे जाय रिचर्डसन के साथ जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये इवनिंग का मैच रहेगा, और दोस्तों इवनिंग के मैच में आपको बैट्समैन से ज़्यादा आपको बॉलर ही आपको ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लेकर देगा। अगर आपको थोड़ा सा अलग हट के जाना है तो यहाँ पे आप क्रिस लिन, फॉर्म टू प्लेसिस और चाहो तो आप जोस इंग्लिश विकेट कीपर जो कि अपने रिसेंटली बैक टू बैक मैचेस में गाइज इन्होंने अच्छा खासा इन्होंने स्कोर किया है, तो आप चाहो तो इनके साथ भी आप देखो जा सकते हो। ठीक है, बाकी गाइज आपके लिए एरोन हार्डी भी एक अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा, जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करके देगा, तो दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। बाकी स्मॉल लीग में आप चाहो तो रिचर्डसन के साथ, एरोन हार्डी के साथ, और यहाँ पर आपके लिए एक तो हल्का खासा अच्छा चॉइस रहेगा हैनरी थॉर्टन, दोस्तों ये 3 ऑप्शन रहेंगे जो आप अपनी वीसी सिलेक्शन के साथ आप देखो जा सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने जेल के लिए आपके लिए प्रेडिक्शन है, रिस्की ऑप्शन ये है, तो आप अगर आप मल्टीपल टीम अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप दोस्तों इनके साथ भी आप देखो जा सकते हो। ठीक है, बाकी देखो फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो दोस्तों आई होप यार आपको आप लोग यहां से जुड़ना नहीं भूलोगे, और दोस्तों आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस देखो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो।